पर बात रखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने तक भी उन्होंने अपनी बातें रखी। पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम ने TV24 से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासियों पर सियासत जारी है और हाल ही में जिस तरह के घटनाक्रम प्रदेश में हुए हैं इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री आपको बता दें रामविचार नेताम जी जुड़े हुए हैं। नेताम जी, जिस तरह से लगातार प्रदेश में आदिवासियों के बारे में बात हो रही है और अभी प्रतापपुर में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई जहां पर एक ठेकेदार ने अपने गुंडों के साथ आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक युवक के साथ मारपीट की, बर्बरता बहुत हुई लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई ना होना किस तरफ ये संकेत करता है? ये पूरे प्रदेश में यही हालात चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में मुखिया के आदेश के बगैर ये सब होता नहीं है, एक पत्ता नहीं हिल रहा है। तो इनको ऐसा संरक्षण मिला हुआ है कि ये समाज को, आदिवासियों का ऐसा दबाव राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इनको इतना दबा दो, इतना क्रश करो कि फिर ये लोग ऊपर न उठ पाए, ऐसा मानसिकता लेकर के ये सरकार काम कर रही है जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। आए दिन इतने लूट, हत्याएं, बलात्कार इतने सारे हो रहे हैं जिसमें सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित है तो आदिवासी समाज पीड़ित है। आज स्कूलों का हालत देखिए, आश्रम छात्रावासों की हालत देखिए, आज इतनी जर्जर अवस्था में है, उस ओर कोई देखने वाला नहीं है। और बड़े बड़े विज्ञापन लगा करके मुख्यमंत्री जी अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े यहां फोटो लगा करके दिखाएंगे, वीडियो बना के दिखाएंगे कि हम आदिवासियों के साथ इतने अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जस्ट उसके उल्टा जो है ये सरकार काम कर रही है। कांग्रेस संगठन में जिस तरह से कल एक बड़ा बदलाव हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव से ठीक पहले बदल दिया गया है। आदिवासी वर्ग का वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते थे लेकिन जो वर्तमान सांसद जिन्हें कि दीपक बैज जी को जिम्मेदारी दी गई है वो भी आदिवासी बेल्ट से ही आते हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस पर क्यों राजनीति कर रही है जब एक आदिवासी समुदाय को फिर से प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए, मोहन मरकाम जी में क्या कमी थी? इतना एक्टिव आदमी, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ा, विधानसभा में भ्रष्टाचार को उजागर किया, 70 करोड़ के लगभग इतने सारे भ्रष्टाचार हुए, सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार हुए थे, उसके लिए लड़ाई लड़ा कि विभाग को किस हिसाब से आवंटन दिया गया, वो क्या सक्षम है क्या। अब इस प्रकार का जब उन्होंने आवाज उठाया और पूरे प्रदेश में पूरे भ्रष्टाचारियों के माध्यम से वहां सरकार चल रही है, शासन चलाया जा रहा है, उनके इशारे पर कलेक्टरों के पोस्टिंग हो रही है, तो ऐसे आवाज उठाने वाले जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्हें दूध से मक्खी फेंका जाता, उस तरह से निकाल के फेंक दिया गया और जलील किया गया। ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है कि ऐसे समय में हटाया गया कि आज 5-6 महीना पहले, समय के पहले उन्हें अपमानित करके, तिरस्कृत करके हटाया गया। इस समाज इसको निश्चित ही इसको जानना चाहेगी, समझना चाहेगी। और जिस तरह से नेताम जी, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 29 सीटें आती है और जिस तरह से पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें देखा गया कि कांग्रेस की धमक इन सीटों पर रही है लेकिन इस बार बीजेपी की क्या तैयारी इन सीटों पर जाने के लिए? बीजेपी की पूरी तैयारी है, हम जमीन स्तर में हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है, हमारा बूथ सबसे मजबूत, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके प्रेरणा देने वाले हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का जो उनका विजन है उस विजन को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मिल करके जमीन पर उतार रहे हैं और जमीनों में बूथ लेवल पे हम अपनी सक्रियता बढ़ाए हैं, बूथ लेवल को हम मजबूत किए हैं और जिसके बदौलत आने वाला कोई भी चुनौती हो उसका सामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे। रामानुजगंज से इस बार आपका नाम सामने आ रहा है, समर्थक भी चाह रहे हैं कि टिकट मिले, दावेदारी करेंगे इस बार? मैं दावेदारी नहीं करता, पार्टी का जो हुक्म होता है वो काम करता हूं।
मैं आज तक मैंने टिकट नहीं मांगा हूं, पार्टी मुझे उस लायक मानती है तो टिकट दे करके भेजती है, जहां बैठाना होता है वहां बैठाते हैं। मैं संगठन से जुड़ करके एक कार्यकर्ता के बताओ, मैं काम करने वाले एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता का जो जिम्मेदारी मिलेगा वो काम करूंगा। तो ये थे रामविचार नेताम, जिनका कहना है कि कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। रायपुर से टीवी 24 के लिए कैमरामैन कपिल के साथ अमित